Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hum apni Who Am I ki series mein, which is designed for metric and intermediate students, particularly Urdu medium. We are teaching them how to think about themselves and they translate their thinking into writing. Writing about themselves on these questions and topics in a journal, in a diary. Some part of the diaries will then be available, will be shared with the teacher for language mistakes, language checking. Ji, to ye hai. Was there a time in your life when you were unhappy and you accepted responsibility for it? Koi aisa waqt tha, koi aisa waqia yaad kare, recall kare, apni reel chalaye wapasi ki, ki jab aisa hua ki you were not feeling good, your mood was bad, you were unhappy, but आपने कहा नहीं इसकी ये वजह मैं खुद ही था, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल या थी. एंड व्हाट डिड यू इवेंचुअली डू अबाउट इट? फाइनली फिर आपने उसका फिर क्या किया था जब ये हुआ था और आपने ये रियलाइज कर लिया कि ये मेरी गलती थी, तो फिर आपने किया क्या और उससे उसके आगे क्या हुआ, वो जरा सोचें एंड राइट इट ऑनेस्टली. व्हेन यू हैव ब्लेम्ड अदर्स फॉर पुटिंग यू इन अ बैड मूड और मेकिंग यू डिप्रेस्ड, ऐसा भी कोई वाक्या होगा, उसके बारे में सोचें. जब आपका मूड ख़राब था तो आपने दूसरों को सोचा कि ये नहीं मेरे उस दोस्त ने किया, ये अम्मी सुबह ये ना कहती ना तो ऐसे नहीं होना था, ये मेरे बॉस ने कल मेरा मूड ख़राब कर दिया था. हम मूड के ग़ुलाम हो जाते हैं. तो जो मूड का ग़ुलाम हो गया वो काम से गया, बस फिनिश्ड. बस को टीचर्स क्लास में रास्ते में ऐसा कोई वाक्या हो जाता है, बंदा मतलब कोई भी इरीटेटिंग वाक्या हो जाता है ना, या घर में बीवी से पहले ही हो जाता है या खामिन से, वो मूड जब क्लास में आ जाता है तो लर्निंग का प्रोसेस तो रुक जाता है. बेहतर है कि आप क्लास में ना जाएं, चिल्ड्रन विल बी हैप्पियर. वॉज देर एनीथिंग यू कुड हैव डन टू इम्प्रूव योर मूड और इंटरप्रेट द सिचुएशन डिफरेंटली? कोई ऐसा तरीका था कि आप सोचें और उस वक्त में चले जाएं, आंखें बंद करें, जरा देखें कि उस वक्त अगर आप ये ना करते और उसको कोई और रीजन तलाश करते, उसके और एंगल्स भी देखते, अपने बारे में भी सोचते, ठीक है, तो फिर उसका क्या नतीजा निकल सकता था, कि क्या उसके जो नताइज से मुख्तलिफ हो सकते थे? इफ़ यू आर करेंटली अनहैप्पी, मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स यू आर ब्लेमिंग फॉर योर अनहैप्पीनेस. ठीक है, साफ नज़र आ रहा है, आप ये पढ़ें और ये करें, तीनों चीज़ों को अलग अलग कर लें, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अनहैप्पी क्योंकि मेरा जो दोस्त है, मेरी जो सहेली है, समटाइम पुट्स मी डाउन, वो मुझे बहुत तंग करती है, मतलब डजंट कोऑपरेट. आई एम अनहैप्पी बिकॉज माई टीचर इज़ टू डिमांडिंग. आई एम अनहैप्पी बिकॉज माई पेरेंट्स आर टू स्ट्रिक्ट अबाउट माई कर्फ्यू. ठीक है, आई एम अनहैप्पी बिकॉज आई डोंट लाइक द टाउन आई लिव इन. कुछ भी हो सकता है ना, राइट? वो सारी चीज़ें लिखें. अब अपनी लिस्ट दोबारा देखें, गो बैक टू योर लिस्ट एंड सी इफ देयर इज अ वे यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग ईच सिचुएशन बेटर और एटलीस्ट पुटिंग योर हैप्पीनेस बैक इन योर कंट्रोल. इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी जो आप अपना रवैया ठीक करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं. जिस चीज़ को आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपके कंट्रोल में ज़रा भी नहीं है, फिर तो आपको वरी नहीं करना चाहिए, यू कॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट एनी वे, राइट? लेकिन बट देर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स जिन पे अगर आप अपना रिएक्शन ठीक कर लें या बेहतर कर लें तो थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग. ये डोमिनो इफेक्ट हो गई होगा, होता ही होता है. ठीक है, आप किसी वक्त देख लें, घर जाएं, जब बाहर से खासतौर पे आप स्कूल से ऑफिस से थके हुए आते हैं, वन डे यू गो एंड मेक श्योर दैट वेन एवर यू एंटर यू हैव टू स्माइल एंड यू विल सी थिंग्स डिफरेंटली. नेक्स्ट डे यू कम तो आप शो करें जी मैं थक के आया हूँ, इनको एहसास होना चाहिए थोड़ा सा कि मैं थक के आया हूँ ना. इस चक्कर में द रिसर्च शोज, इस चक्कर में कि जो अब्बे के दिल में होता है ना कि उसे एहसास होगा ना मेरी बीवी को भी बच्चों को भी इतना थक के आया हुआ है, तो वो बगैर वो मुँह कोड़ा करके सलाम तो करते हैं, आगे चला जाता है और बैग रखता है और उसकी बजाय यू कम स्माइलिंग. Even if that smiling is temporarily fake, things will be different. Your connection with the your children will be different. Varna bachcha dusri teesri dafa ke baad expector nahi band kar deta hai ki ye smile karke aayega aur ye wo kehta nahi ye thaka hua aata hai, ye thodi koi lift karta hai.
दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न दैट वी ग्रेजुअली डिसकनेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम आवर सेल्व्स. हम सब ने ये गलतियाँ की. आई एम अनहैप्पी बिकॉज दिस, ठीक है ना. तो हमारे कल्चर में मैंने चूँकि वहाँ से ली है तो इसको मैं चेंज ही करता हूँ. राइट. तो आपके दोस्त जो हैं वो आपको इस तरह कर सकते हैं. तो सोचें कि आप उस वक्त, जैसे इसमें एक असूल है, इदफा बिल्लत ही आहसन. जब आपके पास कोई बुरी चीज़ आती है, कोई अनहैप्पी सी कोई होती है, तो आप उसका जवाब खूबसूरती से दें. अगर ये आपने काम कर लिया, हमने इदफा बिल्लत ही आहसन, बस द थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग एज वी वॉन्ट टू आर डिज़ायर्स. तो ये तरीका है. तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आगे चलेंगे.